अध्यक्ष महोदय, एक जीत और हुई है, एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे, अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण, सदियों में जन 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 गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें हैं, अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं, इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था, अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। योगी जी के लिए, योगी जी के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। शेर कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पे प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा, मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा, और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे, ना ईवीएम का मुद्दा मरा है ना जाएगा खत्म, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे।